नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और आप जुड़ चुके हैं हमारी इस खास सीरीज के साथ, जी हाँ, जिसमें कि हम बात करें 2020 की। आपके लिए 2020 का साल कैसा रहेगा और आज बात होगी धनु राशि यानी कि सैजिटेरियंस के लिए 2020 कैसा रहेगा। सैजिटेरियंस के लिए वैसे भी शनि की साढ़े साथ ही चल रही है, शनि जो है धनु राशि में ही चल रहे हैं और अभी ये समय ऐसा है कि शनि आपकी राशि में डायरेक्ट हो गए हैं, यानी कि अभी तक जो रेट्रोग्रेड चल रहे थे अब सीधी चाल चल रही है शनि। इसके अलावा धनु राशि वाले जो लोग हैं इनके ऊपर साढ़े साथी जो है वो पीक पर है। अभी जनवरी में ट्रांजिट करेगा शनि, तो 2020 की जो शुरुआत रहेगी आप लोगों के लिए वो कुछ बेहतर प्रोस्पेक्ट्स लेकर के आ सकती है। ये तो बात हुई, हमने बात करी कि जो ट्रांजिट्स होंगे इसका क्या असर पड़ेगा, लेकिन अब बात करते हैं कि कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं 2020 में। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ क्या ग्रोथ रहेगी, साथ ही में बात होगी आपकी हेल्थ की, आपके लिए करियर की, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा 2020। तो चलिए जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। धनु राशि वाले जो लोग हैं इनके लिए सबसे पहले बात करें आपके लिए जो जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स हैं, तो 2020 में पहला कार्ड जो निकल रहा है द वर्ल्ड निकला है। 2020 में जैसे मैंने कहा कि जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल करियर की बात हो, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी क्योंकि जनवरी के स्टार्टिंग में ही 2020 में ही द कार्ड इज़ कम्प्लीशन, दैट मीन्स द वर्ल्ड, हर चीज़ का अधूरा काम जो है वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग खुद से किसी लॉ फर्म में हैं, किसी लॉयर के अंडर में आप लोग प्रैक्टिस करते हैं या मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए ईयर स्टार्टिंग, दैट मीन्स अराउंड मैं बात करूं कि लगभग 25 जनवरी के बाद से चीज़ें इस तरह की हो जाएंगी कि जिसमें कि आपको आगे से लोग बुलाएंगे, आगे से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आपको कई सारे ऑप्शन मिल सकते हैं आगे चुनाव के लिए। तो अगर देखा जाए तो जॉब का प्रोस्पेक्ट आपके लिए बहुत अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें धनुराशि वालों के लिए बिज़नेस के हिसाब से अगर मैं देखूँ, तो बिज़नेस में साल की शुरुआत थोड़ी बहुत एक वेरिएबिलिटी लेकर के आ सकती है, दैट मीन्स फाइनेंशियल पार्ट जो है उसको और इम्प्रोवाइज करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप अपने लक के ऊपर अपनी चीज़ों को डाल दें कि हाँ मेरा लक अच्छा है तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट्स भी करनी पड़ेंगी, साथ ही में लोगों का सपोर्ट भी आपको चाहिए होगा साल के शुरुआत में। जिन लोगों ने कर्ज़ा लिया हुआ था या कर्ज़ा लेकर के कोई कार्य करना चाह रहे थे, या मान लीजिए आप शेयर मार्केट में करते हैं इन्वेस्टमेंट्स, या फिर आप लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई व्यवसाय करते हैं, तो आप लोगों के लिए साल की शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल भरी हो सकती है। आपको फाइनेंशियली अपने आप को चीज़ों को रीगेन करने के लिए, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, एक तरह एक जगह स्टैंड करने के लिए साल की शुरुआत में लोगों का सपोर्ट और मे बी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए हो सकता है। इसके लिए लोन्स के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में साल की शुरुआत आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़े हुए गेन्स को भी दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स के यहाँ पर व्यवसाय के हिसाब से तो थोड़ी बहुत वेरिएशंस नज़र आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ में प्रॉपर्टी से जुड़े हुए गेन्स भी नज़र आ रहे हैं। अगर कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी है या मैटर्नल प्रॉपर्टी है उनसे जुड़े हुए गेन्स नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की, तो धनु राशि वाले जो लोग हैं पर्सनल लाइफ के हिसाब से अगर मैं देखूं तो पेज ऑफ कप्स आपके लिए कार्ड निकला है। साल की शुरुआत आपके लिए वो इमोशनल डिसबैलेंस लेकर के आएगी जिसमें कि आपको इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं जिसका असर पूरे साल आपके ऊपर पड़ेगा। दैट मीन्स के धनु राशि वाले लोग जो हैं उनके लिए फरवरी का स्टार्टिंग लगभग मैं बात करूँ कि 9 फरवरी से लेकर के अप्रैल तक का महीना ऐसा रहेगा जिसमें कि कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन, कोई ऐसा फैसला आपको करना पड़ सकता है। मिड ऑफ द ईयर की बात करी जाए, लगभग मैं बात करूं कि आपके लिए मई ऑनवर्ड से लेकर के सितंबर तक का समय ऐसा रहेगा जिसमें कि आप लोग बहुत आसानी से चीज़ों को चला पाएंगे, बहुत आसानी से एक दूसरे की बातों को समझ पाएंगे। ये समय आपका ऐसा है जिसमें कि इमोशनल फ्रंट पे आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इस अवधि में जो लोग अविवाहित हैं उन लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं और ख़ास तौर पे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। इस अवधि में बच्चों को लेकर के जो टेंशन्स थी वो खत्म होती हुई नज़र आ रही है। पारिवारिक एक तरह से देखा जाए तो तालमेल बनता हुआ नज़र आ रहा है मिड ऑफ द ईयर में।
साथ ही में मदर और फादर की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, लगभग नवंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक। और बात करी जाए अगर आपसी तनाव की, यानी कि जैसे मैंने कहा कि मिड ऑफ द ईयर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वो तनाव जो है वो बढ़ जाएगा आप लोगों के लिए लगभग सेप्टेम्बर से अक्टूबर के महीने तक। अगर मैं एग्जैक्टली टाइमिंग की बात करूँ तो 21 सेप्टेम्बर से लेकर के 29 अक्टूबर तक का समय ऐसा रहेगा कि धनु राशि वालों को काफ़ी हद तक सोच समझ कर हर फैसला करना पड़ेगा। इस अवधि में आप लोग छोटी छोटी बातों पे अगर गुस्सा आ जाएगा तो उसमें कि बहुत बड़े डिसीजंस या बहुत बड़े ब्लंडर्स करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये अवधि ऐसी है कि आपको काफ़ी हद तक सतर्क रहना है अपनी पर्सनल फ्रंट पे। मे बी कोई जॉइंट फैमिली है उसे आप छोड़ करके जाने के बारे में सोच सकते हैं। इस तरह की सिचुएशंस आप लोगों के लिए बनती हुई नज़र आ रही हैं। बात करें अगर किसी तरह का कोर्ट कचहरी का कोई मामला अगर चल रहा है तो उसके नतीजे जो है अगले साल में आपको अक्टूबर के महीने में 24 अक्टूबर के बाद मिल सकते हैं, जो कि आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। लेकिन अगर इस समय में कोई ऐसा केस नहीं चल रहा है तो मे बी आप किसी ऐसे केस में इंडल्ज हो सकते हैं साल के शुरुआत में। हम बात करें एग्जैक्टली तो 15 जनवरी के बाद से ऐसे सिचुएशंस ऐसे सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं कि आप किसी भी केस में इन्वॉल्वमेंट आपका हो सकता है। तो इस अवधि में अगर मैं बात करूँ लगभग 15 जनवरी से लेकर के 16th ऑफ अप्रैल तक का महीने ऐसे रहेंगे जिसमें कि आपको लॉ की तरफ से या कोई ऐसा कानून तोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद को इतना मत बढ़ाइएगा कि वो सरकारी एक उस तक पहुंच जाए या कानूनी एक लेवल तक पहुंच जाए या कोर्ट कचहरी तक वो मामला आपका पहुंच जाए। बात करें अब आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स के लिए करियर का चुनाव करने में आप लोगों के लिए जो थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वो आपको साल के शुरुआत में करनी पड़ सकती है। आपके लिए फरवरी 5 फरवरी से लेकर के 16th ऑफ जुलाई तक का समय ऐसा रहेगा जो कि बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। इस अवधि में जो भी आप डिसीजंस लेंगे वो आपके लिए आने वाली लाइफ को या तो बहुत बेहतर कर देंगे या फिर बहुत ख़राब कर देंगे। तो ये सिग्निफिकेंट टाइम ऐसा है जिसमें कि आपको अपने मेंटोर्स की सलाह भी लेनी पड़ेगी। इंडिविजुअली कोई डिसीजन नहीं लेना है, अपने पेरेंट्स की सलाह मशवरा करके अपने मेंटोर्स से पूछ करके ही आप डिसीजंस लेंगे। जो बच्चे बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, अब्रॉड स्टडी करने के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मिड ऑफ द ईयर बहुत बेहतर दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग्स के लिए अगर आप एजुकेशन से जुड़ी हुई ट्रैवलिंग्स करना चाहते हैं, वीज़ा प्रोसेसिंग इस समय में बहुत आसान हो जाएगी। किसी भी तरह की कोई अड़चन आपको इस समय में नहीं आएगी। एग्जैक्टली मैं टाइम बताऊँ तो आपके लिए लगभग 16th ऑफ जुलाई से लेकर के 15 सितंबर तक का समय ऐसा रहेगा और अक्टूबर टच करेगा ये टाइम। तब तक ये समय ऐसा रहेगा जिसमें कि आपके लिए वीज़ा प्रोसेसिंग, बाहर जाने का एक डिसीजन या फिर आगे आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है, इस तरह की सिचुएशन जो है वो क्लियर आउट होती चली जाएंगी। अब बात करी जाए जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं उन लोगों के लिए बेहतर रहेगा कि आप अभी से ही प्रयास करना शुरू कर दें, क्योंकि वैसे भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है। लेकिन धनु राशि वाले लोगों के लिए इस अवधि में लेजीनेस दिखाई दे रही है। साल के शुरुआत में खासतौर पर फरवरी ऑनवर्ड से लेकर के मई तक का महीना ऐसा रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाएंगे और लास्ट मोमेंट पर जाकर के तैयारी करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप लोगों ने सोचा हुआ है कि नेक्स्ट ईयर इफ़ यू वॉन्ट टू अपियर इन अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, तो आप तैयारी को अभी से ही पूरा करना शुरू कर दीजिए। बात करें कि अगर आपके लिए सेहत के लिहाज से बात करा जाए तो 8 ऑफ वॉन्स कार्ड निकला है। धनु राशि वाले लोग जो हैं आप लोगों को साल के मिड में लगभग अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक का टाइम ऐसा रहेगा जिसमें कि सर्जरीज़, कोई बड़ा ऑपरेशन, इस तरह की जो सिचुएशंस हैं वो नज़र आ रही हैं। तो आप लोगों को सेहत के लिहाज से काफ़ी हद तक कॉशियस रहना पड़ेगा। अगर साल की शुरुआत के बारे में मैं बात करूं तो जनवरी ऑनवर्ड्स थोड़ी बहुत सीजनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन आज सच मेजर दिक्कतें जो दिखाई दे रही हैं वो मिड ऑफ द ईयर में दिखाई दे रही हैं। हालांकि वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रहेंगी, एज सच कुछ परमानेंसी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जो सर्जरीज या जैसे मैंने कहा इस तरह की बड़ी कोई दिक्कतें हैं वो मिड ऑफ द ईयर में हो सकती हैं। थोड़ा सा कॉशियस रहेगा, छोटी छोटी बातों को भी आप लोग सीरियसली लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी बात को लेकर के या किसी भी अपने हेल्थ इशू को निगलेक्ट करें, उसमें नेग्लिजेंस बरतें। आप लोगों को अगर छोटा सा भी कोई क्लू मिलता है कि आपकी सेहत को लेकर के ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम है, उसमें आप डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर कीजिएगा। और ख़ास तौर पे जैसे मैंने कहा कि अगस्त टू अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत क्रिटिकल दिखाई दे रहा है सेहत के लिहाज से, लेकिन साथ ही साथ में
आप लोगों को जुलाई ऑनवर्ड्स ही थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। चलिए इसी के साथ तो ये बात हुई है धनु राशि वाले लोगों के लिए, आगे और भी वीडियोस हम लेकर के आएंगे, बाकी राशियों के बारे में भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ।